पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन देखा जाए तो महानगर में ऑटो चालक सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं और नियम को ताक पर रखकर अपने ऑटो में ओवरलोडिंग सवारियां भर रहे हैं, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा कि ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से बात कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि टैक्सी स्टैंडों पर ट्रैफिक पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए हैं, अगर कोई भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, सभी चौराहों पे कोरोना गाइडलाइंस को भी जो है प्रसारित कराया जा रहा है और PA सिस्टम के माध्यम से भी सभी को अवगत कराया जा रहा है। सभी जो टेम्पो चालक है, टैक्सी यूनियन वाले हैं, उनको भी जो है सभी प्रोटोकॉल जो है बताए गए हैं कि जितनी भी क्षमता है उसका आधी सवारी ही अपने जो है वाहन में बैठाएं, और इसका कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। सभी चौराहों पे इसकी चेकिंग भी कराई जा रही है। हमारे ट्रैफिक के जितने भी TSI गण हैं, इंस्पेक्टर साहबान हैं, उन सभी के माध्यम से इसकी चेकिंग कराई जा रही है, जिससे कि कोरोना गाइडलाइंस का 100% पालन हो सके। पूरे जनपद में मास्क को लेकर के भी चेकिंग कराई जा रही है, और आपने देखा होगा सभी चौराहों पर मास्क धारण करने के संबंध में जो है निर्देश प्रसारित हो रहे हैं, और सभी SOH इंस्पेक्टर भी अपने अपने थाना क्षेत्रों में और यातायात पुलिस भी विभिन्न चौराहों में इसकी चेकिंग कर रही है, और जिससे कि सभी लोग मास्क धारण करें, और जो मास्क धारण नहीं कर रहे हैं उनमें जो है जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है।